सबसे पहले तो थोड़ा सा समझो व्हाट इज अ फंक्शन. ये प्रॉपरली एक मैथ्स का टर्म है और हम काफी ज्यादा यूज. फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन एक्चुअली मीन्स आप उसको ऐसा समझ सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ सम टाइप ऑफ मे बी कंप्यूटर और कैलकुलेटर सम मशीन इन विच यू गिव इट सम इनपुट एंड यू गेट सम आउटपुट. Okay, so this is this particular thing is called a function. That means कि और आप इसको output को y से represent करते हो generally और input को x से. So there is आप इसको ये भी सोच सकते हो that it is some form of a relation between y and x. Now there is a very crisp and precise definition what is a relation and what is function in mathematics. You will study it there. अभी के लिए हम बहुत simple रखते हैं चीजों को. और इसको लिखा कैसे जाएगा? जैसे कि y is equal to function of x. ऐसे लिखा जाएगा. This is the input, this is the output, और ये function बना. Example क्या क्या हो सकते हैं इसके? बहुत simple example है. सबसे simple तो यही हो सकता है कि y equal to x. तो आप x की कोई वैल्यू इधर से इनपुट करो, जैसे 5 इनपुट करा और से इधर 5 ही दे दिया, तो आपका ये फंक्शन है y is equal to fx. तो आप मुझे बता सकते हो इस पर्टिकुलर केस के लिए fx क्या है? व्हाट इज fx? fx इज, अगर मैंने y is equal to fx ऐसे लिखा है, ये f मल्टीप्लाइड बाय x नहीं है, ये जस्ट आपका रिप्रेजेंटेशन है इस चीज का कि आप x एक तरफ से इनपुट दोगे, y आउटपुट आएगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन है बस. यहां पर आपको इनपुट दिखाई देगा और ये वाली चीज आउटपुट है. सो व्हाट इज, टेल मी व्हाट इज, इसके लिए इस वाले एग्जांपल में fx क्या है? सर x. x करेक्ट. तो fx की जगह x आ गया है, दैट मींस fx इज x. अब मैंने देखो यहां पर इक्वल टू नहीं लगाया, बिकॉज इक्वल टू इज अ डिफरेंट थिंग. यहां पर fx इज आइडेंटिकल टू x. fx और x सेम चीज है, ये आइडेंटिटी है. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी. जैसे a इज इक्वल टू a लिखा है, दिस इज अ, और 3 इज इक्वल टू 3 लिखा है, दीज आर आइडेंटिटीज. बट अगर मैं x इक्वल टू 3 लिखता हूं, दिस इज अ इक्वेशन. डिफरेंस समझ में आता है आपको आइडेंटिटीज और इक्वेशन में? सो दिस इज अ आइडेंटिटी. fx की जगह x आ गया, दीज आर वन एंड द सेम थिंग. And these are the equation. आप y में ये वाली equation रख रहे हो और ये भी एक equation. तो एक तरीके से fx और x same बात है. So fx is, इसका नाम क्या होता है? Function of x. और ये होगा क्या actually? This will be an expression in terms of x. और एग्जांपल्स लेके देखें तो fx के और एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 3x² + 7, दिस इज एक्सप्रेशन इन x, fx हो सकता है. और एग्जांपल 6x + x, दिस इज एन एग्जांपल. x^7 + x^5 + 3x, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन. या फिर sin x, ये भी हो सकता है cos x, tan x, sin x plus cos x. So all of these are examples of function. Let us see. समझने की कोशिश करना. सबसे पहले आएगा बहुत सिंपल. I'll give you an example. Suppose मेरे पास एक rod है. This is a rod of some length. Let's say अभी के लिए इसका जो length है वो capital L ले लेते हैं. And capital L is exactly 100 centimeters. आपने इस rod के ऊपर equal intervals पे कुछ numbers लिखे. Example, suppose you started from 0 and keep on writing the numbers till 50. 0 से 50 तक number लिखे आप. Can you tell me कि this is A and this is B? All right. So, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा है यहां पर 0 से लेकर 50 तक इक्वल इंटरवल्स पे नंबर लिखे हुए हैं इसके ऊपर, रॉड के ऊपर,
और L इक्वल्स टू मैं आपसे बोल रहा हूं 50 सेंटीमीटर्स पे बताइए कौन सा नंबर लिखा होगा. कैन एनीवन स्पीक क्विकली, जल्दी से बोलो. आप बता सकते हैं L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे कौन सा नंबर होगा? सर 130. एनीवन एल्स बता सकते हो एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आएगा? यहां पर 10 है, यहां पर 250 लिखा मैंने, बीच में एकदम बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा? बोलो. अभी भी ये क्वेश्चन सिंपल है. एक्चुअली मैं आपको आंसर बताना चाहूं तो यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर्स हैं टोटल? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 130 इज करेक्ट बेटा, 130 वाले सही है. ओके, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कैन यू टेल मी कितने नंबर होंगे? यहां से लेकर यहां तक 240 नंबर्स होंगे. देयर विल बी 240 टोटल नंबर्स. 240 का एग्जैक्टली हाफ क्या होता है? 120. यानी कि यहां से यहां तक 120 नंबर्स होंगे. बट ये स्टार्ट कहां से किया है? 10 से. 10 से स्टार्ट किया है तो 10 से फर्दर 120 और आगे नंबर कौन सा आएगा? 130. सो 130 वाले आर करेक्ट. ओके, 130 इज करेक्ट. सॉरी मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया था दिमाग में. सो 130 वाज इज करेक्ट एक्चुअली. अभी भी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. व्हाट इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ एल? और सपोज आई से कि भाई निकालो 75 सेंटीमीटर पे कौन सा नंबर आएगा? ठीक है, डोंट गिव मी द आंसर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. या फिर कोई बोल दे कि मुझे एल के टर्म्स में आंसर बताओ. एल की वैल्यू नहीं दे रहा मैं आपको, एल के टर्म्स में आंसर बताओ. उससे भी ज्यादा टफ, आपको कैपिटल एल टोटल लेंथ भी नहीं पता है, वो भी कैपिटल एल मालूम है, मतलब बस कैपिटल एल के टर्म्स में आंसर बताओ. या फिर ये नंबर्स में से आपको मैंने वेरिएबल के टर्म्स में दे दिया कि यहां पर एक नंबर लिखा हुआ था ए, यहां पर एक नंबर लिखा हुआ था बी. अब इसको समझने की कोशिश करना बेटा. ये टोटल लेंथ एल है, यू डोंट नो कि कितना लंबा ये एल है, और आपसे पूछा है यहां से एल डिस्टेंस अवे कौन सा नंबर यहां पर लिखा होगा. लेट अस कॉल दैट नंबर एज सी एंड वी वॉन्ट टू नो ये सी क्या नंबर है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम कैलकुलेटिंग दिस. समझने की कोशिश करना. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सी विल बी इक्वल टू, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम हेयर टू हेयर. हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर? एनीवन? सर बी माइनस ए. करेक्ट, गुड. देयर आर टोटल ऑफ बी माइनस ए नंबर्स. नाउ इफ आई आस्क यू समथिंग, सिंस ऑल द नंबर्स आर इक्विडिस्टेंट, सारे के सारे नंबर हमने इक्वल डिस्टेंस पर रखे हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ नंबर्स? समझने की कोशिश करना. हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रॉड? पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रॉड आई थिंक ये समझ में आता सबको. यूनिटरी मेथड है, सिंपल. इन एल लेंथ देर आर बी माइनस ए नंबर्स. So in one length, b minus a into divide by l, these will be the number of numbers. अगर आपने unit length ले लिया तो क्या ये clear है सबको? Now tell me, these are the number of numbers per unit length. How many numbers will be there in this length? I have to multiply this with small l. This quantity is the number of numbers in small l. So can I say that c will be equal to this? No, I cannot say it. I have to add a. Do you understand this result? Abhi मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 5 से लेकर 12 तक कितने नंबर्स होते हैं, तो क्या बोलोगे आप, कितने नंबर्स हैं? वेरी गुड. सो दिस क्वेश्चन मस्ट फॉलो अनदर क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? वेदर यू वांट टू इंक्लूड 5, इंक्लूड 12, इंक्लूड बोथ और इंक्लूड नाइदर. तो ध्यान से, अगर आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? वन ऑफ देम इज इंक्लूडेड, वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड. अगर आपने आंसर सब्ट्रैक्ट करके प्लस वन किया है, बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड. माइनस वन किया है, बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड. ठीक है, ये वाली बात समझ लो अच्छे से. सो ठीक है, एक्चुअली ये जो होता है यही ज्यादा सबसे अच्छा आंसर है, जिसमें से एक इंक्लूड होता है, एक इंक्लूड नहीं होता.
फिर क्या होता है, आप मैंने मान लीजिए 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके लिख लिया, तो एक्चुअली दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स कि कितने गैप है बीच में, ठीक है, जैसे 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये जो 7 सबट्रैक्ट करके आता है ये गैप्स के नंबर होता है, कितने गैप है बीच में, देयर इज अ टोटल ऑफ 7 गैप्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज बताता है। सो अगर आपको ये सारे नंबर्स काउंट करने की सारे कितने नंबर्स हैं, तो 8 होगा आंसर, और इफ यू वांट कि भाई ये दोनों नहीं चाहिए तो 6 होगा आंसर, और एक चाहिए और एक नहीं चाहिए तो 7 होगा। आपको ये समझना कैसे है कि एक्चुअली टेल्स यू कितना गैप है, हाउ मेनी गैप्स विल बी देयर। ऑलराइट, इवन दो एनीवे यहां पर आपके बी माइनस ए गैप्स होंगे बीच में, विच विल, अगर आप उन सब के गैप्स की लेंथ एड कर दोगे तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर तो एक पॉइंट पे लिखा होगा, अगर आपने यहां से लेके यहां तक जितने भी गैप हैं, देयर विल बी बी माइनस ए गैप्स, वो सब ऐड कर दिए तो टोटल लेंथ मिल जाएगा एल। नाउ बी माइनस ए नंबर्स और देयर विल बी गैप्स बिटवीन द नंबर्स, अगर मैंने उसको एल से डिवाइड कर दिया टोटल लेंथ से, तो ये क्वांटिटी क्या है, दिस क्वांटिटी इज दैट हाउ मेनी गैप्स आर देयर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितने गैप्स होंगे यहां पर, ये चीज बताएगी। और अगर मैंने उसमें स्मॉल एल मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, कि यहां से लेकर यहां तक स्मॉल एल लेंथ में कितने ऐसे गैप्स मिलेंगे आपको बीच में। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब अगर मुझे ये पता लग गया कितने गैप है यहां पर, तो मैं यहां वाला नंबर भी निकाल सकता हूं, बिकॉज यहां वाला यहां पर कितने गैप्स होने चाहिए, सी माइनस ए गैप होने चाहिए, जब टोटल में बी माइनस ए थे तो यहां पर सी माइनस ए गैप्स होने चाहिए, और c minus a must be equal to this quantity. If c minus a is equal to this quantity, then c will be equal to this. So this particular relation is called linear variation. बहुत काम आता है physics में, it is very useful. Here there are several constant parameters. Constant क्या क्या लेंगे हम, constant लेंगे total length l, rod का total length कितना है, कॉन्स्टेंट लेंगे हम यहां पर पहले क्या नंबर लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉन्स्टेंट लेंगे हम बी यहां पर लास्ट में क्या नंबर लिखा हुआ है, सो दीज थ्री आर कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड एल। वेरिएबल क्या क्या होता है यहां पर, एल, कि भी आप अपना एल कहीं भी ले सकते हो जहां आपका मन करे, एल को वेरी करोगे तो सी अपने आप चेंज हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन, जहां पर सी का वैल्यू एल पर डिपेंड कर रहा है। I can say that C is a function of L. बताओ क्या ये statement समझ में आया आपको? C depends on L. तो C is a function of L. Maths में shortcut में लिखने का तरीका ये होगा। C is equal to FL. Atman Dev is asking me, sir, we take it always exclusively or inclusively? No, in general, what happens, you will be excluding one number out of these two and including one of them. So directly subtract karke jo answer milta hai, wo ye hai. Baaki situation pe depend karega ki hame exclude karna hai dono ya fir dono hi include karna hai. In general, to aapka ek exclude hoga, ek include hoga. यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, एनीवन? तो बेटा इस पर्टिकुलर फंडे पे ना फिजिक्स में बहुत सारी चीजें काम करती हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका थर्मामीटर्स, थर्मामीटर्स सभी इसी फंडे पे काम करते हैं। कैसे, आप एक थर्मामीटर ऐसे लेते हो जिसमें ये ट्यूब है थर्मामीटर की, मान लो इसमें मरकरी भरा हुआ होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मरकरी का हाइट उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज मरकरी एक्सपैंड्स। फिर आपने कोई एक स्केल बनाया अपना, जैसे सेल्सियस ने अपना स्केल बनाया था, सेल्सियस ने बोला कि जहां पर वाटर जम जाए, जहां पर वाटर सर वाई कांट ए एंड डी बी वेरिएबल्स, बेटा फिजिक्स में दो चीजें आप सीखते हो इन जनरल, फिजिक्स में क्या, किसी भी साइंस में, वेरिएबल होता है और एक होता है पैरामीटर्स, दो चीजें होती हैं।
ठीक है। अब अगर एल भी वेरिएबल है और ए और बी भी वेरिएबल्स हैं, तो ये लीनियर वेरिएशन एंड वन वेरिएबल नहीं होगा, इसमें दो वेरिएबल हो जाएंगे। मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं लीनियर वेरिएशन एंड वन वेरिएबल, ठीक है। सेवरल वेरिएबल वाला एग्जाम्पल ऐसा होगा, देखो कि z इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट इंटू x, सम अदर कॉन्स्टेंट इंटू y, और x और y वेरिएबल है और z उन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो सेवरल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, बट हम इसमें नहीं जा रहे हैं अभी, अभी हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो l इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरिएबल, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसको वेरिएबल ले रहे हैं और किसको कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, और कॉन्स्टेंट भी कोई ऐसा कॉन्स्टेंट नहीं है कि इसकी वैल्यू 10 है या 20 है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए दिस विल बी अ कॉन्स्टेंट, सिचुएशन टू सिचुएशन दे कैन चेंज, तो इन अ सेंस व्हेन सिचुएशन चेंज इट चेंजेस, सो इट इज अ वेरिएबल, लेकिन अगर सिचुएशन सेम रखी है आपने, कॉन्फिक्स रखी है, देन दे विल बी अ कॉन्स्टेंट एंड दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। देखो थर्मामीटर में कैसे काम करता है, थर्मामीटर में आपने ये मरकरी की ट्यूब है, मान लो दिस इज अ ट्यूब इन विच मरकरी इज राइजिंग, आपने इस पूरे सिस्टम को थर्मामीटर को पहले रखा इन आइस बाथ, आइस बाथ में रखा तो देखा कि मरकरी यहां तक राइज करता है, और फिर आपने क्या काम करा, आपने इसको बॉइलिंग वाटर में रख दिया, वाटर विच इज बॉइलिंग, तो मरकरी आपका यहां तक पहुंच गया, सो दिस विल बी योर लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं इसको हम थर्मामीटर में, और ये अपर फिक्स पॉइंट। अब इन जनरल अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको यहां पर कुछ नंबर्स देने पड़ेंगे, तो अब आपकी मर्जी है यहां पर कि आप कोई भी नंबर यहां पर लिख सकते हो, तो ध्यान से सुनना, ये आप ये लेंथ आराम से मेजर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल एल हो जाएगा, ये फिक्स वैल्यूज है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हमने वॉटर यूज किया है, वॉटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा ये, एंड ये वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दो मैं अभी कुछ भी 0, 100 कुछ नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज ये 0, 100 हमने अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर्स ले लिए हैं, जैसे डिग्रीज में किया था, याद है मैंने तो बताया था ना 360 डिग्री, इस नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जहां पर भी डिग्री लग जाता है उसमें वो नंबर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज जस्ट अ स्केल। सिमिलरली यहां पर भी डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फारेनहाइट होता है, सो दे डोंट हैव, वो हमारी मर्जी से अपने नंबर से कुछ, एनीवे तो आपने क्या काम करा, इस वाले को सेल्सियस में कहा कि इसको मैं 0 बोलूंगा, और इस वाले को बोल दिया उसने मैं 100 बोलूंगा, और अज्यूम कर लिया कि 0 से 100 तक इक्वल पार्ट से डिवाइडेड है। अब मान लीजिए कभी यहां पर आपको दिखाई दिया, ये आपको यहां पर एल लेंथ पर लेवल दिखाई दिया ऑफ मरकरी व्हाइल यू आर मेजरिंग सम टेम्परेचर, तो 0 से 100 वाले स्केल में, यानी कि सेल्सियस वाले स्केल में ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, ये रहा, कैसे लिखोगे, ए विच इज 0 प्लस, ये समझ में आता ना, इनिशियल नंबर है 0 प्लस b माइनस ए ओवर l, तो 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, इसको मैं l बाय l लिख रहा हूं, तो ये रेशियो दिखाई दे रहा है आपको, ये रेशियो क्या चीज है, यू अंडरस्टैंड दिस रेशियो, ये रेशियो होगा कि अभी करंटली कितना राइज किया 0 से और ये टोटल लेंथ कितना था, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा, सो l बाय l ओवर इंटू 100 करके यू विल ऑलवेज गेट कि कितना टेम्परेचर है इन सेल्सियस के। मान लो फारेनहाइट होता, फारेनहाइट में कैसे करते हैं हम, इसको हम देते हैं 32 डिग्रीज, 32 नंबर देते हैं इसको, और इसको देते हैं कितना 212, फारेनहाइट ने ये दो नंबर्स लिए थे, रिलेशन अभी भी यही लगेगा, क्या लिखोगे आप फारेनहाइट के लिए, यहां लिख देता हूं मैं, फारेनहाइट में ये टेम्परेचर होगा, ये सेल्सियस में था, फारेनहाइट में दिस विल बी इक्वल टू 32 प्लस 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाय जो भी लेंथ है इनटू एल, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा यहां पर ऐसे, सो दिस विल बी 32 डिग्रीज प्लस ये 180 है, 180 इनटू एल बाय एल, सो अल्टीमेटली ये फ्रैक्शन ही है मेन चीज, तो बाकी नंबर्स तो अपनी मर्जी से जो जो भी है इन्हें फिक्स करते रहेंगे, उसके हिसाब से नंबर चेंज होते रहेगा। सो आर यू गेटिंग दिस कि कैसे यूज होते हैं सब चीजें, हाउ दिस, सो जनरली this, if you plot this, linear variation नाम से दिखाई दे रहा है, linear variation plots as a straight line, आप कभी भी graph में बनाओगे तो ये हमेशा straight line की तरह दिखाई देता है,
और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आपने थोड़ा बहुत पहले का याद होगा तो इस फॉर्म में जरूर देखी होगी पहले कभी ना कभी, y equals mx plus c, where कंपेयर करके देख लो इसमें, यहाँ पे c की जगह मैंने क्या यूज कर लिया यहां पर y, a की जगह क्या है ये कांस्टेंट है उसकी जगह मैंने यहां पर लिख दिया c, l जो वेरिएबल था यहां पर उसकी जगह लिख दिया हमने x, एंड ये पूरा का पूरा ये खुद भी एक कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट पैरामीटर है एक सिचुएशन के लिए ये वाला, तो उसकी जगह पूरी के पूरे क्या लिख दिया हमने m. So, मैं यहीं पर साइड में आपको लिख के दिखा देता हूं हुआ क्या है. पहली क्वेश्चन थी हमारी c is equal to a plus b minus a over l into small l, उसकी जगह लिखा गया y equals c plus m into x, so you can compare. ये c और ये c totally different है, don't get confused. So, this is how you denote a linear equation. और ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट होती है देखो, ग्राफ में इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो आई मीन जनरल कुछ भी ड्रॉ करना है इस टाइप की स्ट्रेट लाइन होगी, इधर x इधर y. नाउ डू यू नो हाउ टू प्लॉट अ लाइन, जैसे कि मैंने इक्वेशन आपको दे रहा हूं 3x plus 2, सो डू यू नो हाउ टू प्लॉट दिस लाइन. तो आप कोई भी एक x पकड़ लो, जैसे सबसे सिंपल एक जीरो हो गया तो y कितना आ गया उसमें x जीरो पर 2, तो 0.2 पॉइंट उठा लो, 0.2 कुछ यहां पर होगा, और दूसरा पॉइंट क्या ले लो 1 ले लो मान लो, तो अगर x 1 है तो y कितना आ गया 5, तो दूसरा पॉइंट हो गया 1.5, तो 1 यहां पर 5 यहां पर, दूसरा पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट्स मिल गए तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो, इजंट इट, यही था ना. यस सर. लेकिन अब आपका काम ऐसे प्लॉटिंग करने से नहीं चलेगा, अब आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू डायरेक्टली जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन एंड प्लॉट द ग्राफ. अलग अलग पॉइंट्स लेने का आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझना है. देखिए सबसे पहले तो नाम समझो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m इज कॉल्ड द स्लोप एंड c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूं आपको. y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप x जीरो रखो, x जीरो कहां पर होता है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर हर जगह x जीरो है, तो अगर आप x जीरो रखो तो y का क्या वैल्यू आ रहा है c, तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन इस वाले पॉइंट से पास करेगी. सो y इंटरसेप्ट मींस कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, दिस इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट, दिस विल बी योर c. इसका मतलब समझ में आया, जो कांस्टेंट होता है इसका क्या मतलब है, दैट आपकी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी, ये c बताता है. तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू देखोगे ये कितना है, और वहां पर एक पॉइंट आपका आ जाएगा कि भी लाइन यहां से पास करेगी. दूसरी चीज ये स्लोप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, स्लोप होता क्या है, स्लोप को हिंदी में बोलते हैं झुकाव, इंक्लिनेशन. वेयर अगर m का वैल्यू जीरो है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, इफ m इज जीरो तो आपकी लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस. अगर m ग्रेटर देन जीरो है तो आपकी जो लाइन है वो ऐसी दिखाई देगी, इस टाइप की लाइन, इस टाइप की. और अगर m लेस देन जीरो है तो आपकी लाइन इस टाइप की दिखाई देगी, यानी कि ऐसे. क्या ये सारी चीजें क्लियर है एक साथ? C का वैल्यू चेक करना है कितना है, M का वैल्यू चेक करना है कितना है, और लाइन खींच देनी है बस. हमें फर्क नहीं पड़ता कि टू द पॉइंट बनी है कि नहीं, बस उसका देखने में सेम होनी चाहिए. दैट लेट अस से y इक्वल्स आपको दिया हुआ है 3x माइनस 2, तो उसको क्विकली कैसे ड्रॉ करेंगे देखो. एक तो हमें टू द स्केल बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ करनी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन एक्चुअल में ऐसी थी और आपने बना दी ऐसे, इतना फर्क नहीं आना चाहिए. सो y इंटरसेप्ट कितना दिखाई दे रहा है बच्चों, बोलो y इंटरसेप्ट कितना है? 2 माइनस 2. तो आप y एक्सिस पे माइनस 2 पे चले जाओगे, लाइन यहां से ही पास करेगी. अब मुझे बताओ, मैं यहां से दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या लाइन दिखने में ऐसी होगी, दिस इज द फर्स्ट लाइन
या फिर दिखने में ऐसी होगी, दिस द सेकंड लाइन, बोलो पहला वाला सर. व्हाई? बिकॉज़ फर्स्ट लाइन. व्हाई? लोकस्ट फॉर्म ग्रेटर देन 0. Because the coefficient of x, which is called slope, is positive, or positive slope I line ऐसे दिखती है. So इसका correct answer आप directly इस तरह की line होगी. बात करता हूँ. अब ये line actual में थोड़ी सी इधर थी, it doesn't matter actually. बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं बनानी है. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि line जा तो ऐसे रही थी, आपने यहाँ पर बना दी, positive slope पे बना दी. ठीक है? तो हम यहाँ पर एवरेज की दिखने में कैसा होगा उसमें ज्यादा कंसर्न है अभी, क्योंकि फिजिक्स में वही ज्यादा काम आता है. दूसरा देखो, मान लो इक्वेशन लिखी मैंने y is equal to minus 6x plus 2. तो कैसे बन सोचेंगे? y इंटरसेप्ट प्लस 2, यानी आप y में यहां चले जाओ, फिर इसका स्लोप नेगेटिव माइनस 6. हाँ, वैल्यू को नहीं सोचना, सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव यही सोचना. नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसी लाइन होगी इस टाइप, इधर की तरफ चुकी हुई. तो इसी में एक बार वापस आते हैं. व्हेन m इज 0, द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस? So actually, the slope of the line which is parallel to y-axis is undefined. और कुछ लोग उसको जो है infinity बोल देते कि infinity slope है. ठीक है? तो undefined या फिर infinite slope बोला जाएगा. Parallel to y-axis. मैं लिख नहीं रहा, आप लोग सुन लो और लिख लो चाहो तो. So if line is parallel to y-axis, the slope is undefined or infinity. तो ये आपका काम हो गया स्ट्रेट लाइन. आज के बाद आप कभी भी पॉइंट्स रख रख के प्लॉट नहीं करोगे, नेवर. कहां यूज आएगा देखो, ये रेस्ट एंड मोशन जो आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, वहां पर ये वाली इक्वेशन जरूर पड़ी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. पढ़ा है सर? यस सर. सर एक्सक्यूज मी सर, पर क्या हम बोल सकते स्लोप का वैल्यू y इंटरसेप्ट का वैल्यू डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट का वैल्यू, वैसे क्या स्लोप स्लोप का वैल्यू बोल रहे हो? नहीं सर, क्या हम बोल सकते क्या स्लोप का वैल्यू y इंटरसेप्ट का वैल्यू डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट का वैल्यू? हां, मैग्नीट्यूड, ओनली द मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, ओनली द मैग्नीट्यूड, बट नॉट साइन, नॉट साइन. ओके सर, साइन भी? यस सर, साइन भी इंक्लूड करेंगे सर. सर अगर हाँ, साइन नहीं इंक्लूड करना, ठीक है? जैसे इसी में देख लो एग्जांपल, अब अगर y इंटरसेप्ट ये है तो x इंटरसेप्ट ये रहा होगा, तो यस स्लोप का वैल्यू जो आएगा ना वो दिस डिवाइड बाय दिस ही आएगा, बट साइन नहीं पता लगेगा आपको ना. ठीक है सर, अगर साइन नहीं पता होगा तो स्लोप का मतलब डायरेक्शन हम कैसे पता लगेंगे? तो बेटा ठीक है, फिर लो मान लीजिए आप y इंटरसेप्ट को लिख रहे हो y और इसको लिख रहे हो x, तो माइनस लगा लो, ये होता है स्लोप. दिस इज द y इंटरसेप्ट, दिस इज द x इंटरसेप्ट, माइनस लगा लेना, ये स्लोप का एग्जैक्ट है. ठीक है, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, और x इंटरसेप्ट पॉजिटिव राइट में और नेगेटिव इधर, ऐसे करके लिख लेना. ठीक है, ओके सर. बाकी आएगा यार, ये सब बाद में आएगा, तो मतलब ये फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है. मैं तुम्हें उतना ही बताऊंगा जितना फिजिक्स में जरूरत है. ओके, ये सब मैथ्स में सीखोगे तुम, इसको ऐसे डेल्टा वाई अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये सब सही, ये सब मैथ्स की चीजें हैं, अपन क्यों जाए इसमें. ओके आओ मैथ्स फिजिक्स पे आओ थोड़ा सा. सो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी सबको मालूम है. कैन यू टेल मी, जब हम ये इक्वेशन को यूज कर रहे होते हैं इसमें पैरामीटर कौन है और वेरिएबल कौन है, क्या ये आपको मालूम है? बताइए, what are the parameters, what are the variables? So अगर कोई एक पार्टिकल आपने पकड़ लिया तो t equal to 0 पर कितनी वेलोसिटी वो फिक्स हो गई ना उसकी, ये t equal to 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ये इक्वेशन ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लगती है, यानी कांस्टेंट में. तो u एंड a आर पैरामीटर्स, कांस्टेंट पैरामीटर्स फॉर अ सिचुएशन.
हाँ सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होंगे, तो उस वजह से ये नहीं बोलना है कि ये वेरिएबल्स हैं, बिकॉज दे आर फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन. अभी आप देखो टाइम पे तो किसी का जोर नहीं है, तो ये तो अल्टीमेट वेरिएबल है, टाइम कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है. सो दिस इज द वेरिएबल, और आप फिजिक्स में देखोगे 90% ऑफ द टाइम टी इज द वेरिएबल. एंड अगर आपको थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मालूम है, तो टी विल ऑलवेज बिकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टाइम किसी और चीज पर डिपेंड करता ही नहीं है, खुद से अपने हिसाब से एक फिक्स रेट से चेंज होते रहता है. हाँ, बाकी सारी क्वांटिटीज इस पर डिपेंड करेंगी, तो बाकी सारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सी पर डिपेंड नहीं करता, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. जोइना जोइना राउत, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये समझ में आता सबको? अब मुझे बताओ ये लीनियर वेरिएशन है क्या? इज दिस अ लीनियर वेरिएशन? क्या वी और टी आपस में एक दूसरे के साथ लीनियरली वेरिएट कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं? यस और नो बोलना पड़ेगा आपको. सो यस, दीज आर लीनियरली वेरिएटिंग विद ईच अदर. और अगर ये लीनियरली वेरी कर रहे हैं, तो मैं इस वाली इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर सकता हूं, y is equal to mx plus c, where c u की वैल्यू जगह ले लेगा और m एक्सेलरेशन की जगह ले लेगा, एक्सेलरेशन. और आप इनको प्लॉट कर सकते हो फिर कैसे, इधर v की इधर की तरफ v और इधर की तरफ t. व्हाट इज, अच्छा v को हम क्या बोलते हैं ये मालूम है आप लोगों को? व्हाट डू वी कॉल v? बोलो. फाइनल वेलोसिटी. फाइनल, ये थोड़ा सा जो ना कंफ्यूजिंग नाम है इसका. डोंट एवर, मतलब ठीक है आप बोल सकते हो इसको फाइनल, लेकिन इसको समझना मत कि फाइनल वेलोसिटी है. एक्चुअली दिस वेलोसिटी इज एट टाइम टी. अब वो फाइनल है क्या है उससे क्या पता हमें, बट हाँ ये वेलोसिटी इनिशियल है एट टी इक्वल टू जीरो. तो फाइनल की बजाय आप इसको ऐसे समझो, दिस इज द वेलोसिटी एट दिस टाइम इंस्टेंट टी. तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा. मान लो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे दी मैंने आपको 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 से शुरू होगा, पॉजिटिव 5 से, याद करो ये y इंटरसेप्ट बनेगा फिर, ठीक है. और एक्सेलरेशन मैंने आपको दे दिया प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव. डायरेक्टली बना दो ऐसे, ये ग्राफ बनेगा इसका. ऑब्वियसली फिजिक्स में हम जानते हैं टाइम नेगेटिव नहीं लेते, तो ये वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ आगे आगे रहेगा ये वाला. समझ आया कैसे ग्राफ यूज करना है, कैसे बनाने है? बेटा यस और नो बोल दो फटाफट से, अगर नहीं आया तो. यस सर. यस सर. गुड. यस सर. तो आपको यहां पर अब स्ट्रेट लाइंस क्लियर हो गई हैं. स्ट्रेट लाइन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. स्ट्रेट लाइन की और भी फॉर्म्स होती हैं, देर आर सेवरल अदर फॉर्म्स. इसको स्लोप फॉर्म बोलते हैं, ये जो ऐसे लिखा है स्लोप फॉर्म. लेकिन फिजिक्स में अपने को रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको सारी टाइप की फॉर्म पता होनी चाहिए. y इक्वल्स x टू द पावर इन जनरल n का ग्राफ. n अभी हम कोई एक नंबर लेके चल रहे हैं, और ऑब्वियसली इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए, दिस विल बी डिफरेंट. तो सबसे पहले देखो, समझने की कोशिश करना. अगर n का वैल्यू 1 है बेटा, बोलिए, इफ n इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा ये? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. करेक्ट, गुड, वेरी गुड. सो इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, नो डाउट अबाउट दैट. सो फॉर n इक्वल टू 1 इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और कुछ इस टाइप की स्ट्रेट लाइन होगी. अगर n इक्वल टू 2 है, तो जो शेप बनती है दैट इज कॉल्ड, कुछ इस टाइप की शेप बनती है बेटा इसकी. n इक्वल टू 2 मतलब
y equals x square. और ये आपको याद करना है. एंड दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला. पैराबोला बोलते हैं शेप को, और ग्राफ को पैराबोलिक ग्राफ बोलेंगे. इधर x, इधर y. अब पैराबोला की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या होता है वो सब मैथ्स में. अभी हमें नाम क्लियर होना चाहिए बस. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा. ये दोनों लेग्स इसके बढ़ते ही चले जाएंगे. दे विल नेवर बिकम पैरेलल. ऐसे पढ़ते ही चले जाएंगे हमेशा. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर n का वैल्यू 3 है देन अब ग्राफ के नाम सबके होते नहीं है. ये x क्यूब वाला ग्राफ बनेगा. दिखाई दे रहा है सबको? और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है. ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा. नेक्स्ट, अब आपको समझ में आ जाएगा बस एक और बार के बाद. अगर n का वैल्यू 4 है देन दिस ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक अ पैराबोला, बट आई विल नॉट से दैट इट इज अ पैराबोला. ठीक है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, दोनों तरफ सेम है. हो जाएगा y इक्वल टू x टू द पावर 4. अगर n इक्वल टू 5 है तो वही कहानी फिर. और उसके बाद ऐसे रिपीट होता रहता है. अगर n का वैल्यू इवन है तो ऐसे इस टाइप के ग्राफ बनेंगे. n का वैल्यू ऑड है तो इस टाइप के ग्राफ बनेंगे. नाउ अगर आप एक्चुअल, आपके पास अगर कोई ग्राफ ग्राफ का प्लॉटर है तो इट वुड बी अ वेरी गुड टाइम टू यूज. सभी के पास मोबाइल है. आई विल टेल यू एन एप्लीकेशन नेम. बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप यूज कर सकते हो उसको. डेस्मॉस. डेस्मॉस का एक कैलकुलेटर भी आता है और एक ग्राफिंग कैलकुलेटर भी आता है. तो ग्राफ वाला आप डाउनलोड करेंगे. इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अपनी मर्जी से कुछ भी उसमें इनपुट कर सकते हो और आपको ग्राफ बन के दिख जाएगा. सो नाउ वुड बी अ वेरी गुड टाइम कि आप इसको थोड़ा बहुत चला के देखो खुद से और देखो ये कैसे ग्राफ्स होते हैं. जैसे मैं ड्रॉ करके आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा नहीं समझा पाऊंगा. आई कैन टेल यू क्या डिफरेंस होगा. द डिफरेंस इज कि x टू द पावर 4 का ग्राफ नीचे से काफी फ्लैट होता है, यानी थोड़ी देर बाद उठना शुरू करता है. ये फटाफट उठ जाता है. अगर x टू द पावर 6 का ग्राफ होगा तो और थोड़ी देर बाद ऐसे उठेगा और बहुत जल्दी फिर ऊपर उठ जाएगा. ऐसे x टू द पावर 8 है, बहुत देर तक ऐसे चलता रहेगा फिर अचानक से ऐसे उठ जाएगा ऊपर. सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक. सिमिलरली x क्यूब और x टू द पावर 5 सेम दिखाई देंगे, बट क्या होगा, ये तो यहीं से उठना शुरू कर देगा. ये थोड़ी देर पहले फ्लैट चढ़ेगा फिर अचानक से ऐसे ऊपर. x टू द पावर 7 जो है वो और थोड़ा और ज्यादा देर तक फ्लैट चलेगा और फिर बहुत तेजी से ऊपर. So this is how they will be different. ये सारे ग्राफ समझ में आए? कैसे कौन सा कौन दिखाई देगा, बोलो बेटा. Yes, sir. All right. Now, ये तो हो गए अपर वाले. अब देखते हैं अगर n का वैल्यू मान लो हाफ हो गया तो क्या. Which means I'm interested to find y equals to root x का ग्राफ कैसा होगा. तो सबसे पहली बात ये समझो that y is equal to root x में x cannot be negative. क्या ये बात समझ में आती है? X cannot be negative. अगर x negative आ गया तो हम real number तो नहीं मिलेगा कुछ भी. And x cannot be negative. और y की value क्या बोल सकते हो आप? y नेगेटिव हो सकता है क्या इस केस में? नहीं सर, y नेगेटिव नहीं हो सकता है सर. सर क्योंकि एक एग्जांपल सर मैं दे रहा हूँ, मुझे ज्योति सर ने बताए थे एक्टिविटी हॉल में. ओके 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 ठीक है, तो तुम्हें पता है, दैट इज गुड. तो y विल आल्सो बी नॉट नेगेटिव. गुड, वेरी गुड. रूट जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है. ओके okay? इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा ये देखो. इसका ग्राफ दिखाई देगा कुछ इस टाइप. और ये भी पैराबोलिक ग्राफ होता है बट ये डिफरेंट टाइप का पैराबोला है. एक्चुअली पूरा पैराबोला तब बनेगा जब आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे. तो अगर आपने इसका होल स्क्वायर किया ना, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में देखो डिफरेंस, बड़ा मजेदार है.
इसका ग्राफ बनेगा ऐसा और इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये वाली चीज तो दोनों की मैच करेगी एक साथ, यानी कि इसमें ये वाला जो लेग है उसकी इक्वेशन ये है, लेकिन इसका जो नीचे वाला लेग है इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, जो कि इसमें तो दोनों आएंगे लेकिन ऐसे आप लिखोगे तो सिर्फ ऊपर वाला प्रेजेंट होगा। टेल मी डू यू अंडरस्टैंड दिस सर? क्यों, क्या ऐसा क्यों हुआ? तुम अभी तो बोल रहे थे ज्योति सर ने बताया है, कौन बोल रहा था? सर एक्चुअली इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सर अगर हम रूट फोर को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे रूट फोर इक्वल्स टू फोर माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो होल स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से मैच कर रहा है तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। और देखो सही बोल रहे हैं ज्योति सर ने, एकदम सही बताया है, बट ये एक एग्जाम्पल है ना ये दिखाने के लिए कि वो नेगेटिव नहीं होता, बट एक्चुअल में रूट रूट फोर इज डिफाइंड एज टू। मैथ्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ध्यान रखना ये बात कभी भी। सो कहीं पर रूट फोर लिखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्लस टू है माइनस टू है। मुझे माइनस टू लिखना है तो मैं नेगेटिव ऑफ रूट फोर लिखूंगा हमेशा, ये माइनस टू आएगा। जब आपकी इक्वेशन है x इक्वल टू फोर मान लो, तो आपका मन करता है कि डायरेक्ट लिख दें x प्लस माइनस टू, लेकिन रूट आपने लगाया तो पता है क्या लिखा है? प्लस माइनस रूट फोर लिखा है एक्चुअली, इस तरीके से लिखा जाता है। रूट फोर इज ऑलवेज प्लस टू, माइनस रूट फोर इज ऑलवेज माइनस टू। लेकिन इस इक्वेशन के दो रिजल्ट आएंगे, x प्लस टू भी आएगा माइनस टू भी आएगा, बिकॉज इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। रूट लगाते ही दोनों तरफ प्लस माइनस आता है, आप ऐसे रूट लगाओगे ना तो साथ में प्लस माइनस ऐसे लगाना है। तो दिस इज हाउ मैथ्स इज डिफाइंड, मैथ्स में डेफिनेशंस होती हैं क्लियर कट बिल्कुल, जो कि कम से कम कंफ्यूजन क्रिएट करे। अब सर ने वो उसको एग्जांपल बताया कि हाँ भाई डिस्टेंस, तो सही बात है बिल्कुल, डिस्टेंस में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता, फिर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही जो है आपका रूट से होता है रिलेटेड। तो वही सब चीजें हटाने के लिए ऐसे क्लियर कट क्रिस्प डेफिनेशंस होती हैं मैथ्स में। एनीवे आपको समझ में आना चाहिए कि यार इस वाली इक्वेशन में y पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए नीचे तो जा ही नहीं सकता ये वाला ग्राफ। नीचे वाला चाहिए तो y इज इक्वल टू जानबूझ के माइनस रूट से रूट एक्स लिखो, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ना अकेला, दिस इज इक्वलेंट टू दीज टू ग्राफ्स, इन दोनों को मिला के ये पूरा बनेगा। यहां तक समझ में आया? ऑलराइट, अब बात आती है यार n इक्वल टू वन बाई थ्री हो तो क्या? तो भाई देखो जब तक तुम साथ में दोनों प्लॉट नहीं करोगे तब तक कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ये ग्राफ भी ऐसे ही दिखेगा। एक ही ग्राफ के अंदर दोनों प्लॉट करोगे तो डिफरेंस नजर आता है। फिर ऐसे ही n इक्वल टू वन बाई फोर तो भी ऐसे ही बनेगा, वन बाई फाइव तो भी ऐसे ही बनेगा। तो n का वैल्यू जीरो से लेके वन तक कुछ भी रखोगे अगर, तो इस टाइप के ग्राफ बनता रहेगा। In general, y is equal to x to the power n for different different values of n. How will it look like in a single graph? तो सबसे पहले तो ये सोचो, n का चाहे कोई भी वैल्यू हो, अगर मैं x जीरो रखूंगा तो y कितना आएगा x जीरो पर? बोलो जल्दी। One. x जीरो रखूंगा तो y कितना आएगा? x x जीरो. Zero. तो यानी सारे ग्राफ्स जीरो जीरो से पास करेंगे। All the graphs will be passing through 0, 0. अब अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो y कितना आएगा? If x is 1 ही आएगा। यानी कि ये सारे ग्राफ whatever be the value of n, they will all pass through 1, 1. ये दोनों पॉइंट्स कॉमन है सारे ग्राफ में। यहां तक क्लियर है सबको? बेटा ये क्लियर है कि सभी ग्राफ में आएंगे दोनों पॉइंट्स कॉमन आएंगे, जितने भी हमने ग्राफ ड्रॉ करे हैं सब में, सभी जो है जीरो जीरो से पास कर रहे हैं, वन वन से पास कर रहे हैं सारे ग्राफ, ये सब जीरो वन वन, जीरो वन वन,
0, 1, 1, 0, 1, 1 सब पास कर रहे हैं. तो देखो कैसे दिखाई देंगे ये ग्राफ. स्ट्रेट लाइन वाला सबसे पहले ड्रॉ करते हैं. स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे होगी, 45-45 डिग्री पे निकल जाएगी. ये n इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू n इक्वल टू 2 के लिए, यानी y इक्वल टू x स्क्वायर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा बेटा. ऐसे जाते हुए ये n का वैल्यू है 2. n का वैल्यू आप बढ़ाओगे 3 कराना आपने, तो ध्यान से समझना. ये देखो बना रहा हूं मैं, यहां पर बताना है समझ में आया कि नहीं. यहां पर तो नीचे से शुरू होगा, यहां पर क्रॉस करेगा 1 पे और यहां एकदम इससे तेजी से बढ़ना शुरू कर देगा. दिस इज n इक्वल टू 3. n इक्वल टू 4 और नीचे से आएगा, यहां पर एक साथ मिलेगा और यहां पर बहुत तेजी से और ऊपर, इससे भी ज्यादा तेजी से निकल जाएगा ऊपर. वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, हॉच पॉच हो जाएगा. बट इन तीनों से समझ में आ रहा है कैसे ग्राफ है ये समझ में आए? n इक्वल टू 3 नीचे क्यों होगा ये समझ में आया? Yes, sir. और यहां पर ऊपर क्यों होगा ये समझ में आ रहा है? आई एम अज्यूमिंग कि आ रहा है यार समझ में. ठीक है, सो यहां पर मैंने मान लो हाफ के लिए चेक कर लो, x का वैल्यू अगर हाफ रखू मैं तो y, ये वाली इक्वेशन तो y हाफ ही देगी. n इक्वल टू 2 जो है वो 1/4 देगी, यानी किसके नीचे आएगा. और n इक्वल टू 3 हाफ पे क्या देगी, 1/8 देगी, और नीचे आएगा और कम आएंगे. तो बिटवीन 0 to 1 जितनी पावर बढ़ाते चले जाओगे नंबर उतना कम होता चला जाएगा. तो इसलिए जितनी पावर ज्यादा रहेगी ग्राफ उतना नीचे रहेगा. तभी मैंने तुम्हें बोला था कि और ज्यादा फ्लैट होके जाता है, और ज्यादा फ्लैट होके जाता है. और यहां पर देखो 2 पे, 2 में ये वाला ग्राफ तो 2 ही देगा, ये 4 देगा और ये 8 देगा, बहुत ऊपर निकल जाएगा एन इक्वल टू 3 वाला. ठीक है, नाउ एन इक्वल टू हाफ, एन इक्वल टू हाफ कुछ इस टाइप का ग्राफ रहेगा बेटा. और बड़ा ही इंटरेस्टिंगली दिस ग्राफ n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू हाफ, दीज आर सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन. ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई ना, इसके अबाउट सिमेट्रिक रहता है, जैसे मिरर इमेज टाइप. वो सब मैथ्स में सीख लेना. फिर n इक्वल टू 1/3, इधर तो ऊपर से निकलेगा लेकिन यहां नीचे रहेगा. ये n इक्वल टू 3 है, 1/3, दैट्स इट. इतना ही दिखाऊंगा मैं, बाकी सारे भी ऐसे चलेंगे. सो दिस इज n इक्वल टू 2, this is n equal to 3, this is n equal to half, and this is n equal to 1/3. Sir, actually मैं जो बोल रहा था कि सिर्फ square root का value हमेशा positive होगा, तो sir cube root का value क्यों हमेशा positive होगा? Oh, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है. Good good, very good. अच्छा हुआ पूछ लिया तुमने, ऐसा नहीं है बेटा. इसका इसका जो ग्राफ होता है ना, कंप्लीट ग्राफ इसका ऐसा होगा, ये होता है. सही बोला, इसमें ऐसा नहीं है, रूट में ही है बस. ओनली प्रॉब्लम लाइज विद द रूट ओनली. तो 1/3 में ऐसा ग्राफ होगा, 1/4 में सिर्फ ये होगा, 1/4 में प्रॉब्लम आ जाएगी. 1/5 में, 1/5 में फिर ऐसे ही ग्राफ होगा. ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर. हाँ, तो 1/3 का कंप्लीट ग्राफ ऐसा होगा, 1/4 का सिर्फ इतना ही रहेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी स्क्वायर वाली, रूट वाली. 1/5 में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे माइनस हो सकता है. ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर. यस सर. वाई इक्वल्स साइन एक्स, साइन का ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए कैसा होगा. तो साइन का ग्राफ जो होता है, साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं इसको. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. इसका नाम जो है वो खुद साइनोसॉइडल है. दिस इज अ साइनोसॉइडल. तो इस टाइप की ऐसे वेव जैसा, वेवी टाइप का ग्राफ बनता है. ये 0, 0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू
पाई बाय टू यानी 90 डिग्री पर आती है और होती कितनी है प्लस वन, वापस से जीरो होता है पाई पर, यहां पर x का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाय टू 270 डिग्री और ये कंप्लीट हो जाएगा 362 पाई और मिनिमम वैल्यू 3 पाई बाय टू यानी 270 पर आती है विच इज माइनस वन. ये ग्राफ क्लियर है बेटा सबको? नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ. y इज इक्वल टू कॉस x, x का वैल्यू जब जीरो होगा तो y का वैल्यू वन होगा, तो वन से शुरू होता है और ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता है. मोर ऑर लेस इट विल लुक समथिंग लाइक साइन x ओनली, बस थोड़ा सा शिफ्टेड है. ठीक है, थोड़ा सा ये ग्राफ ऐसा मान लो पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया तो ऐसा दिखेगा. इसका नाम भी साइनोसॉइडल ही है क्योंकि शेप होती है साइनोसॉइडल. एक्चुअली ये भी साइनोसॉइडल ग्राफ ही कहलाता है. यहां पर ये वैल्यू वन है, यहां पर ये पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, सॉरी ये पाई है, ये थ्री पाई बाय टू और ये टू पाई. सो जीरो पर वन है और पाई पर ये माइनस वन है. 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री इज माइनस वन. एक और ग्राफ टैन का. टैन का ग्राफ टैन जीरो जीरो होता है लेकिन पाई बाय टू तक आते आते ये इन्फिनिटी की तरफ भाग जाता है एकदम. तो आप यहां पर इसको ड्रॉ करने का तरीका ऐसा रहता है, डॉटेड लाइन बना लो और उसको ऐसे दौड़ा दो इन्फिनिटी की तरफ. एंड सेम हैपन्स एट माइनस पाई बाय टू. माइनस पाई बाय टू पर भी ये ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ दौड़ा जाता है. और उसके बाद यही चीज रिपीट होगी, ऐसा ही ग्राफ रिपीट होगा फ्रॉम पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू. बीच में पाया आएगा और ये ग्राफ फिर से ऐसे ही रिपीट होते रहेगा. इधर भी और इधर भी ऐसे चलता रहेगा. दो और स्पेशल फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे. वो होते क्या हैं? आज क्योंकि हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो सारे ग्राफ एक ही दिन में पढ़ लेते हैं पूरे. एक फंक्शन होता है वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स. एल एन इज द नेचुरल लॉगरिथम. और दूसरा एक ग्राफ होता है y is equal to e to the power x, where e is the Euler number, Euler constant. Pi की तरह ऐसे एक नंबर होता है 2.7118 something का something कुछ होता है. This is a irrational number. Exponential series जो होती है, exponential functions जो होते हैं, वो सब में ये e number काम आता है. अब e का क्या मतलब है यहाँ पर? और यहां पर नेचुरल का क्या मतलब है वो हम कल डिस्कस करेंगे. फॉर टुडे वी ओनली आई विल ओनली गिव यू द ग्राफ्स. y इज इक्वल टू ln x कैसा दिखाई देगा और y इज इक्वल टू e टू द पावर x कैसा ग्राफ दिखाई देगा. y इज इक्वल टू ln x जो है इस साइड पे नहीं होता, ये इधर इंफिनिटी से आएगा. यहां पर एग्जैक्टली वन पे इसको क्रॉस करेगा तो ये 0.1,0 है और ऐसे धीरे धीरे चला जाएगा. ये वाला ग्राफ नीचे नहीं आता, जैसे ये लेफ्ट नहीं जाता, ये वाला ग्राफ नीचे नहीं आता, इधर इंफिनिटी से आएगा. इट विल क्रॉस दिस पॉइंट एट 0.1 और ये इधर चला जाएगा ऐसे बहुत तेजी के साथ. एनीवन एल्स? कोई डाउट? साइन एक्स एंड कॉस एक्स के ग्राफ के बीच में डिफरेंस. ओके, द डिफरेंस इज बेटा द एक्चुअली शेप. शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो डिफरेंस, शेप आइडेंटिकल है दोनों की. द ओनली डिफरेंस इज कि आपने पूरा ग्राफ जो है थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाले पॉइंट को खिसका के पूरे ग्राफ के साथ ऐसे यहां ले आया, इधर खिसक गया ग्राफ तो यहां से इधर पहुंच गया. तो जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है यहां पहुंच गया पीछे एट जीरो. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ग्राफ में. ये मैंने ड्रॉ करने में थोड़ा लग रहा होगा ज्यादा गोल सा बना दिया, बट ऐसा नहीं है कुछ भी.